न्यूमेरिकल्स पार्ट टू। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है, प्लेस्ड ऑन द मून। यानी आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है पेंडुलम का जिसकी लेंथ 1 मीटर है। आपने उसका टाइम पीरियड ना सिर्फ मून पे बल्कि अर्थ पे भी फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ जो ग्रेविटी है वो आपके पास मून पे 1/6 ऑफ द अर्थ है, यानी 1.67 ms-2 है, जबकि आपके पास अर्थ के ऊपर 10 ms-2 है। अगेन यू कैन सी डेटा इज गिवन, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 ms-2, एंड ग्रेविटी ऑफ मून इज जी अर्थ डिवाइडेड बाय 6। सो 10 ms-2 डिवाइडेड बाय 6 विल बी इक्वल टू 1.67 ms-2। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मून यू हैव टू फाइंड आउट। फार्मूला यूज, जो पिछले दो न्यूमेरिकल्स में आपके पास फार्मूला यूज हो चुका है, अगेन यही फार्मूला यूज हो रहा है आपके पास कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जहाँ पे टाइम पीरियड फॉर द अर्थ फाइंड करना है आप वहाँ पे टाइम पीरियड को टाइम TE से रिप्लेस कर देंगे और G को GE से रिप्लेस कर देंगे, और मून को T को TM से और ग्रेविटी ऑफ द मून को आप GM से रिप्लेस कर देंगे। आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज यू विल गेट द आंसर दैट इज रिक्वायर्ड। सो द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ वुड बी 1.985 सेकेंड, दैट इज ऑलमोस्ट या यू कैन से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एंड वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड ऑन द मून विल बी 4.9 सेकेंड। आई हैव ऑलरेडी सोल्व इट फॉर यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी यूज दिस फार्मूला ट्वाइस इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 4। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट इट्स 1 vibration इन 2 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स लेंथ ऑन द अर्थ व्हेन जी इज 10 ms-2। ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज गिवन, दैट इज 10 ms-2, एंड 1 vibration कंप्लीट्स इन 2 सेकेंड्स। यू कैन से टाइम पीरियड इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द अर्थ। सो वी हैव रिप्लेस्ड, अगेन सेम फार्मूला इज यूज हियर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/LE/g √। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ हेयर। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लेंथ हेयर वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² LE/GE, मल्टीप्लाइंग GE ऑन बोथ साइड्स। GE into T square is equal to 4π² LE. LE length is required here, so we will divide 4π² on both sides. So length will be equal to gravity into time period square divided by 4π². After putting these values that are given in the data, 10 ms-2 into 2 second, that will be squared, and 3.14 whole square. After multiplying and dividing these values, you will get 1.02 meter. That will be the length of the simple pendulum on the earth. Next is numerical number 5. Number of waves is 100 waves. Time taken is equal to 20 seconds. Frequency you have to find out and time period you also have to find out. Student, इस numerical के दो part हैं. सबसे पहला जो part है जिसके अंदर आपने frequency और time period find करना है, आपके पास number of waves और time दिया हुआ है. जो second part है आपके पास, उसके अंदर आपके पास wavelength दी हुई है और आपने wave speed find out करनी है. So first of all, we are going to find out the frequency and the time period. You can see frequency is equal to number of waves divided by time. 200 divided by 20 second is equal to 5 hertz. 1 divided by second is equal to 1 hertz. 1 per second will be equal to 1 hertz.
You can say 1 per second is equal to 1 hertz. So in order to find out the time period, its reciprocal of frequency, so 1 by 5 hertz will be again equal to 0.2 seconds. You have replaced 1 by hertz by the second. Second step of this numerical was to find out the wave speed. Wavelength is given, that is 6 cm, and you first of all have to convert this 6 cm into meter. So after dividing with 100, we will get 0.06 meter. Wave speed ka jo formula hota hai, aapne padha tha ke V is equal to F lambda. V is the wave speed, F is the frequency, and lambda is the wavelength of the wave. After putting these values, 5 hertz is the frequency, 0.06 meter is the lambda, yani wavelength. You will get the wave speed is equal to 0.3 per second, hertz is equal to per second, and meter is from the wavelength. So V is equal to 0.3 ms minus 1, yani wave speed would be equal to 0.3 ms minus 1.